गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत होने वाले जिला क्रिकेट लीग के लगभग हर मैच को गोरखपुर न्यूज अपने खेल प्रेमी दर्शकों के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को उत्साहवर्धन के लिए क्रिकेट के कुछ अंशों का प्रसारण अपने समाचार के माध्यम से रोज करता है। लेकिन गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसे उजागर करना हमारा फर्ज बन जाता है। गोरखपुर क्रिकेट लीग का फाइनल मैच नासा केएस टैलेंट और आतिफ क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें लाल रंग की गेंद के साथ काले रंग का साइड स्क्रीन लगाया गया था, जो कि खेल के साथ किसी भद्दे मजाक से कम नहीं। लाल बॉल के साथ काला साइड स्क्रीन होने से हमारे खेल प्रेमी दर्शक समझ रहे होंगे कि बैटिंग करने वाले बल्लेबाज के लिए गेंद को देखने में कितनी कठिनाई होती है। दर्शकों, आपको बताते चलें कि यह मामला पहली बार का नहीं है। गोरखपुर लीग के अन्य कई मैचों में भी इस तरह की गलतियां बार बार लीग के आयोजक करते रहते हैं, जो कि खिलाड़ियों के भविष्य के साथ किसी खिलवाड़ से कम नहीं। गोरखपुर न्यूज ने जब इसके बारे में गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शफीक अहमद से बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि तस्वीरें आपके सामने यहां पर आप टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं किस तरह लाल रंग की गेंद के साथ काले रंग का साइड स्क्रीन का बेमेल और अनोखा प्रयोग लीग के फाइनल मैच में किया जा रहा है। ये गलती नहीं बल्कि ब्लंडर है, जो कि प्लेइंग कंडीशन के खिलाफ है और बीसीसीआई और आईसीसी के नियमों के भी खिलाफ है। वह भी जीसीए का सबसे महत्वपूर्ण जिला क्रिकेट लीग का फाइनल मैच, जिसका खामियाजा आने वाले समय में हमारे युवा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा। आपको लेके चलते हैं दूसरे तस्वीर की तरफ। यह तस्वीर भी गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन में फैले भ्रष्टाचार से संबंधित है, जो कुछ दिन पहले टाउन हॉल के गांधी प्रतिमा के नीचे नारे लगा रहे यह युवा खिलाड़ी गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के मनमानी रवैये और भ्रष्टाचार व्याप्त होने की शिकायतें कर रहे हैं। इनका कहना है कि अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के सेलेक्शन में घोर अनियमितताएं बरती जा रही हैं और साथ ही उल्टे सीधे तरीके से फीस के नाम पर पैसे ऐंठने का भी काम गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन करती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के सुनील राणा ने कहा, गोरखपुर के सबका शुद्ध भ्रष्टाचार है। इन्होंने 2015-16 में ₹1,000 लेकर ट्रायल मैच कराया, उसके बाद कैंप के नाम पे हमेशा शोषण करते हैं, लीग के नाम पे इन्होंने पैसा लेते हैं, कोई भी रसीद नहीं देते। रोज इनका एक नया नया हथकंडा, नए नए धंधे हो चुके हैं।
ये 37 साल से एक पंजीकृत संस्था है जो UPCA से रजिस्ट्रेशन के नाम पे चलती है, लेकिन ट्रायल लेती आती है, ट्रायल में खुद धनुगाही करते हैं। विगत 4 सालों से इतनी धनुगाही होनी चालू है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग कर रहे हैं कि यहाँ का ट्रायल कानपुर में कराया जाए, यहाँ के पूरे मंडल गोरखपुर मंडल का ट्रायल कानपुर में कराया जाए, जिससे बच्चों के साथ निष्पक्ष हो सके। ये साफ कहना चाहता हूँ कि UPCA के सेक्रेटरी महोदय एक कमेटी बनाए, एक कमेटी बना करके जांच करें। यहाँ के पुराने खिलाड़ी हैं, एकलाख अहमद को पूछा नहीं जाता है, परवेज हसन केवल एक लगे रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी को कभी पूछा नहीं जाता है, आनंद सक्सेना है, धीरेंद्र प्रसाद सिंह धीरू हैं, और तमाम हमारे पुराने प्लेयर हैं, राकेश कन्नौजिया, विशाल पांडे, तमाम लोग हैं, आज तक किसी को पूछा नहीं जाता। ये 2 GM तिवारी, शफीक सिद्दीकी नामक जोर टाइप के आदमी लोग बैठे हुए हैं, 37 साल से गुंडागर्दी कर रखे पूरे गोरखपुर के अंदर, क्लबों का शोषण करते हैं। मैं यही बात मांग उठा रहा हूँ कि यहाँ का ट्रायल कानपुर जाए और यहाँ से बिल्कुल जो शोषण बंद हो, लीग का पैसा बंद होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन नॉमिनल फीस होनी चाहिए, या UPCA बता दे कि वो यहाँ लीग का पैसा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर एकलाख अहमद जी के नेतृत्व में क्यों नहीं हो सकता, केवल एक आदमी इनके पास है, 3 साल से आता है, 3 साल से चला जाता है। मैं और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ट्रायल के नाम पर शुद्ध वसूली, ट्रायल मैच के नाम पे वसूली, कैंप के नाम पे वसूली, हर समय वसूली। एक नया धंधा इन्होंने का है, हर साल एक क्लब को बैन करने के लिए कभी किसी को कोई भी पत्र नहीं देते बैन का, प्लेयर को बैन करने के नाम पे। अभी एक टूर्नामेंट चल रहा बस्ती में, उसके दौरान ये आदमी शफीक सिद्दीकी खुलेआम टूर्नामेंट कभी कहता है कि एक क्लब बंद होगी, बैन कर दी। ये धरना की इनकी जाँच होनी चाहिए और यहाँ का ट्रायल कानपुर जाना चाहिए।